एवरीवन भाई, पूरे भारत के लिए टीए आर्मी ऑफिसर की भर्ती निकल चुकी है। अभी देखो इंडियन आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन चारों तरफ निकल रहा था और उसका ऑनलाइन भी हो रहा था, इंडियन एयरफोर्स का भी ऑनलाइन हो रहा था, इंडियन नेवी की भी भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, लेकिन टीए आर्मी का कहीं भी कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा था। और आज ऑटोमेटिक में जैसे इस न्यूज़पेपर में छाप दिया है ना, वैसे टीए आर्मी की ओपन रैली भर्ती भी इसी तरह छाप देगा और आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी इस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी लिखा गया है मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आज से दो दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, जैसे एससी सेंटर 280C में जो इंडियन आर्मी की ऑफलाइन भर्ती निकाली गई थी उस भर्ती के बारे में भी इस न्यूज़पेपर में लिख दिया। अमर उजाला के न्यूज़पेपर में टीए आर्मी ऑफिसर की जो भर्ती निकली हुई है इसके बारे में ए टू जेड पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर दे दिया है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आज से दो दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आप लोगों को बताया था एससी सेंटर साउथ 280C में इंडियन आर्मी की ऑफलाइन भर्ती निकली हुई है और इसका फॉर्म भी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था, तो जो भाई इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग भर देंगे तो सही रहेगा। अभी 15 जुलाई तक लास्ट डेट है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे टीए में कितना एज चाहिए, कितना मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जान लोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा है न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 42 वर्ष होना चाहिए। ये बात सभी लोगों को पता है, टीए आर्मी में एज 18 से 42 साल तक लगता है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है आयु की गणना 30 जुलाई 2022 से की जाएगी। पात्रताएं जैसे ये देख लो, मतलब किस किस का सर्टिफिकेट चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये ऑफिसर की भर्ती है ना, तो इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर 10 पास रहोगे तो नहीं इसमें ऑनलाइन करा पाओगे, ठीक है ना। ये ओपन रैली भर्ती नहीं है, इसमें पहले ऑनलाइन कराना पड़ता है। और कब से कब तक ऑनलाइन कराया जाएगा ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो चयन प्रक्रिया में दिया है, चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। परीक्षा में 2 पेपर शामिल होंगे जिसके लिए 200 अंक निर्धारित हैं। पेपर फर्स्ट में रीजनिंग मैथ एवं पेपर सेकेंड में जनरल नॉलेज इंग्लिश विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में पेपर के प्रत्येक भाग के न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 40% और ओवरऑल में 50% अंक निर्धारित है, ठीक है ना। और नीचे दिया है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसका अंतिम डेट 30 जुलाई है, ठीक है ना। ये इसका ऑनलाइन चालू हो गया है और लास्ट डेट 30 जुलाई है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.jointterritorialarmygovernment.in, ठीक है ना। और इसका जैसे ऑनलाइन कराने जाओगे तो 200 रुपया फीस लगेगा, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन मांगा है उसको आप लोग ध्यान में रखना। और ये भी आप लोग देख लो, इसके बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसका फॉर्म फिर से मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। जिस भाई को इस भर्ती के बारे में नहीं पता होगा वो जान ले, ये भर्ती सिंपल 10 पास है और किस किस स्टेट में सिंपल 10 पास से फॉर्म भर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले वीडियो बनाकर बता चुका हूँ और इसका नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा, तो आप लोग एक बार और देख लेना, ठीक है ना। ये जो भर्ती है तो इसमें एज मांगा है 18 से 27 साल तक और इसका लास्ट डेट जो है ना मतलब 15 जुलाई तक है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है, पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे इसमें फॉर्म भरकर भर्ती देखने जा सकते हो, ठीक। जो भाई पूरा वीडियो देखा होगा उसको सब कुछ समझ आ गया होगा। देखो टीए आर्मी ऑफिसर की जब भर्ती निकलती है ना तो इसमें ऑनलाइन कराना पड़ता है, और जब टीए आर्मी की ओपन रैली भर्ती निकलती है तो उसमें ऑनलाइन नहीं कराना रहता है। उसमें जिस राज्य में जिस तारीख को जहाँ पर भर्ती होने वाली रहती है, जो लोग 10 पास रहते हैं, 8 पास रहते हैं, 12 पास रहते हैं, वो लोग उसमें जाकर भर्ती देख सकते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, जितने भी भाई टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हो ओपन रैली भर्ती की, देखो जिसके पास ग्रेजुएशन रहेगा वो तो इसमें जा सकता है, लेकिन जिसके पास ग्रेजुएशन नहीं है सिंपल 10 पास से तैयारी कर रहा है तो उसका भी भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अभी देखो इंडियन आर्मी भर्ती का नोटिफिकेशन निकल रहा था लेकिन टीए आर्मी के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। जिस तरह आज इस न्यूज़पेपर में टीए आर्मी ऑफिसर के भर्ती के बारे में देखने को मिला है ना, उसी तरह आज से एक महीना बाद, अभी देखो अगस्त में या सितंबर में टीए आर्मी जैसे जो ओपन रैली भर्ती है वो भी देखने को मिल सकता है। और जब देखने को मिलेगा ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन टाइम मिलेगा, उसी में आपको दौड़ भी बनाना रहेगा, रेस भी मारना रहेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, जितने भी भाई टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हो, जिन लोगों का उम्मीद टूट चुका था, वो लोग ग्राउंड में जाकर मेहनत करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं भी जैसे मुझे भी कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी, कुछ पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था यार टीए आर्मी का क्या होगा, अभी कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा था।
लेकिन अभी इस न्यूज़पेपर को देखने के बाद दिल में थोड़ा तसल्ली हुई है कि चलो टीए आर्मी की भर्ती भी कराई जाएगी। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करना। वैसे अब बारिश का टाइम आ गया है, ग्राउंड पर भी बहुत सारा पानी लग जाएगा, अब रोड पर ही तैयारी करना होगा, तो तैयारी शुरू कर देना, ठीक है ना। और एक और भर्ती के बारे में, जैसे इसमें दिया था एससी सेंटर में, उसमें इंडियन आर्मी की ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है, और उसके बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। उसमें वर्दी नहीं मिलता है, सिविलियन की भर्ती होती है, लेकिन इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करना होता है, ठीक है ना। सैलरी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। उसमें पूरे भारत के लिए टोटल 458 वैकेंसी है, और उसका फॉर्म मैं फिर से टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, पहले भी मैं भेज चुका था। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, ठीक है ना। जितने लोग एससी सेंटर में फार्म भरना चाहते हैं तो वो लोग भर देंगे। मैं जिस दिन फार्म भरूंगा, अभी 15 तारीख तक डेट है, तो मैं पूरा का पूरा डिटेल्स उस पर बता दूंगा, आप लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।